Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in today's class, we are going to discuss the chapter 19, which we were discussing in the last class. So let's start. So students, in our last class, we talked about that there are many types of transport sources we have. It was the roadways, and then we talked about railways, and therefore which one after the roads, railways, and there are waterways and hamara airways. सो ये चार जो हमारे रूल थे ट्रांसपोर्ट के, वो हमने डिस्कस कर लिए. नाउ कम टू द रोडवेज. हमने कल रोडवेज के बारे में बात की थी कि रोडवेज जो होती है वो सिटी रोडवेज में लाइक जो रोड्स होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े जो मीन होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जोड़ने में. फिर वो सिटी हो, ओके, फिर वो आपकी सिटी हो, फिर टाउन हो या विलेज हो, सभी को जोड़ने में ये हेल्प करते हैं. एंड देन हमने बात की थी हाईवेज की. सो इन द हाईवेज वी टॉक्ड अबाउट, सो लेट्स रीड दिस. अब हमने बात की थी हाईवेज की, राइट. अब मैंने बताया था हाईवेज में क्या होता है, कि हाईवेज क्या होते हैं, वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करते हैं, एक सिटी को दूसरे स्टेट सिटी से कनेक्ट करते हैं. बट जो नेशनल हाईवे होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द हाईवेज. फॉर द डेफिनेशन वी कैन गो, इफ इट इज़ नेशनल हाईवे देन वी कैन से नेशनल हाईवे क्या होता है. सो नेशनल हाईवे हमारा होता है, it connect, okay, connect state capitals, okay, ये हमारी जो बड़ी cities होती हैं उनको, big cities, towns and ports, जो भी हमारे ports होते हैं सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है. कौन? नेशनल हाईवे. ओके, लाइक NH7, इस तरीके से हाईवेज के नाम होते हैं जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल को, कैपिटल स्टेट जो स्टेट होते हैं उनको, स्टेट कैपिटल्स जो होते हैं उनको, जो बड़ी सिटीज होती हैं हमारी वो, और जो भी टाउन्स होते हैं हमारे स्टेट में उनको कनेक्ट करता है. ये आउटसाइड द सिटी एंड आउटसाइड द टाउन्स होता है जो कि कनेक्ट करते हुए एक लंबा डिस्टेंस तय करता है. ये रोड्स बहुत लंबी दूरी तक के लिए होते हैं. एंड देन ये बहुत सारे स्टेट कैपिटल्स, टाउन, सिटीज, विलेजेस सभी को कनेक्ट कर देते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब हमने बात की थी कि नेशनल हाईवेज जो होते हैं उनका उनकी जो केयर है, उनका जो मैनेजमेंट है, ये कौन संभालता है. सो जो नेशनल हाईवेज होते हैं, ओके, इफ आई नेशनल हाईवे, सो जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनका जो देखभाल है और उनका जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में होता है. सो वो होता है नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसके बारे में हमने कल बात की थी कि ये क्या करता है, कि ये सारे के सारे जो हाईवेज होते हैं नेशनल हाईवेज, उनका लुक आफ्टर किसके हाथ में होता है, वो कौन करता है, तो वो करता है हमारा NHAI. ओके, एंड ये कब स्टार्ट हुआ था, या किस एक्ट के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था, तो वो हमारा एक्ट था 1988 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए पास हुआ था. सो तब से ये जो अथॉरिटी है ये काम कर रही है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. ये हमने बात कर ली नेशनल हाईवे की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट हाईवे. ओके, नाउ स्टेट हाईवे क्या होता है, जो आपके स्टेट में लाइक यूपी के अंदर जो
जो भी आपका जो भी हाईवेज होंगे जो कि अपनी स्टेट की सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं और टाउन्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो हमारे स्टेट हाईवेज कहलाते हैं। अब स्टेट हाईवेज का जो केयर है, जो उनका मैनेजमेंट है, वो कौन करता है? सो ये हाथ में होता है किसके? ये होता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द स्टेट हाईवेज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब इनके अलावा क्या होता है? नेशनल हाईवेज की बात की हमने, देन स्टेट हाईवे की बात की हमने, तो इनके अलावा और क्या होता है कि और भी रोड्स होते हैं, और जो रोड्स होते हैं वो किसे कनेक्ट करते हैं? इनके अलावा जो रोड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रोड्स होते हैं जो कि हमारे विलेजेस को, टाउन्स को, ओके, सिटीज को, इन सबको कनेक्ट करते हैं ये रोड्स। हर रोड स्टेट हाईवे या हर रोड नेशनल हाईवे तो हो नहीं सकता। सो आपकी जो सिटी में, आपके जो टाउन में, आपकी कॉलोनीज के बाहर जो रोड्स गए होते हैं, तो सिटीज़ में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को जोड़ते हैं या फिर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जोड़ रहे हैं, तो वो जो रोड्स जो बने होते हैं उनका भी जो केयर है वो हमारी जो सिटीज़ में, वो स्टेट में, स्टेट की गवर्नमेंट जो है उसका ध्यान रखती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। रोड्स कैन बी टू टाइप्स। अब रोड्स दो टाइप के हो सकते हैं। लेट्स सी। सो जो हमारे रोड्स हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के। ओके, सो लेट्स सी द टाइप्स। सो फर्स्ट इज मेटल, ओके, एंड द सेकेंड इज अनमेटल। ओके, ये दो टाइप के हमारे जो हैं, ये दो टाइप के जो हमारे रोड्स हैं वो होते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द मेटल एंड देन द अनमेटल। अब मेटल रोड क्या होते हैं? मेटल रोड जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? लेट्स सी। वो रोड्स होते हैं स्टोन्स, सीमेंट, ओके, तार, ओके, इन चीजों के बने होते हैं। अब इन रोड्स को क्या कहते हैं? ये जो हमारे मेटल रोड होते हैं इन्हें हम, आपने नाम सुना होगा, इन्हें हम आपने सुना होगा पक्की सड़क, राइट? सो इन्हें ही हम पक्की सड़क या फिर पक्का रोड के नाम से जानते हैं। तो क्या नाम है? पक्का रोड्स। एंड दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, सीमेंट, टार। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अनमेटल रोड, अनमेटल रोड क्या होते हैं? सो जो हमारे अनमेटल रोड होते हैं वो होते हैं कच्चा। ओके, ये कच्ची सड़क होते हैं। सो कच्चा, सो वी कैन से हियर कच्चा रोड्स। ओके, ये होते हैं। अब ये किस चीज के बने होते हैं? देखिए, ये जो सड़क होते हैं ना, ये आपकी मिट्टियों से को ही एक तरह से सरफेस, फ्लैट सरफेस बना के रोड बना दी जाती है। तो ये जो रोड होते हैं ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये रोड हमें मिलते हैं मेनली विलेजेस। ओके, ये रोड हमें कहाँ मिलते हैं? मेनली विलेजेस। और इनकी बात करें तो ये हमें सिटीज में, टाउन्स में देखने को सभी जगह मिलते हैं। ओके, अभी हमारे यहाँ क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक द लाइक मेटल रोड इन विलेजेस ऑल्सो। हमारे विलेजेस में भी गवर्नमेंट उतना ही प्रयास कर रही है कि जो मेटल रोड है वो बने, पक्की सड़क जो है वो बने। सो नाउ हमने बात की, रोड दो टाइप के होते हैं, मेटल पक्का रोड, अनमेटल कच्चा रोड। ओके, जो मेटल रोड है वो किस चीज़ के बने, उसमें किस मटेरियल का यूज होता है उसे बनाने में? सो जो हमारे मेटल रोड है उनको बनाने में स्टोन्स का यूज होता है, पत्थरों का, सीमेंट का और तार। ठीक है, ये तार जो होता है, तीन चीजों का ये यूज होता है। तो नेक्स्ट है हमारा अनमेटल रोड। ये कच्ची सड़क होती है। इन्हें, ये हम कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे मेनली गांव। ओके, ये गांव में पाए जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ रोड। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड की, जो है हमारा
next. Okay, let's talk about that. वो है हमारा ब्रेन. ओके, हमने रोडवेज की बात कर ली. अब नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारा रेलवेज. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द रेलवेज. सो इंडिया जो है, इंडिया के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है. किसका? रेलवेज. ओके, सो हमारे पास क्या है? लार्ज नेटवर्क है. किसका? रेलवेज का. सो इंडिया हैज लार्ज नेटवर्क. बहुत बड़ा हमारा जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पे पूरे इंडिया में फैला हुआ है और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का ये साधन है जिसको कि डेली लाखों लोग यूज़ करते हैं हमारी कंट्री. ओके, नाउ दे कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाउन्स. जितने भी टाउन्स होते हैं आपके, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते होंगे जो छोटे टाउन्स में होते होंगे, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते होंगे जो बड़े शहरों में रहते होंगे. सो उनके पास एक जो ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स है वो अवेलेबल होता है, वो है रेलवेज. वो जो छोटे टाउन्स होते हैं या वो बड़ी सिटीज़ होती हैं, सभी को कनेक्ट करता है. सो दे कनेक्ट ऑलमोस्ट ऑल टाउन. लगभग सभी जो छोटे शहर होते हैं, जो बस्तियाँ होती हैं उनको, जो छोटे शहर होते हैं उन्हें, और जो सिटीज़ होती हैं हमारी कंट्री की, सभी को कनेक्ट, शहर जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं. दे आर द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री. रेलवे हमारी कंट्री का एक लाइफ लाइन के तौर पर बहुत सालों से काम कर रहा है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जिन्हें डेली ट्रैवल करना होता है फ्रॉम वंस इन द मॉर्निंग एंड देन व्हेन दे कम बैक फ्रॉम देयर वर्क, सो देन अगेन वो यूज़ करते हैं. सो बहुत सारे लोगों का ये डेली लाइफ में यूज़ होता है रेलवे. बहुत सारे लोग को जब अपने रिलेटिव्स के यहाँ, अपने घर पर जाना होता है, देन वो रेलवे को यूज़ करते हैं. दे ट्रस्ट, बिकॉज यू नो लंबी दूरी आपको तय करनी होती है तो जो हमारा रेलवे है, जो ट्रेन्स होते हैं, वो चीप एंड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड हमें कर देते हैं. एयरवेज वी कैन नॉट अफोर्ड, एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड द एयरप्लेन, सो दैट्स वाई वी गो फॉर द रेलवेज. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, द कंबाइंड लेंथ. दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट. द कंबाइंड लेंथ ऑफ The combined length of railway जो भी रेलवे का हमारा जो की जो लंबाई है पूरे इंडिया में, let's see कितनी है, is 66,000 किलोमीटर. ओके, सो कितनी है जो हमारी पूरी लंबाई है जो रेलवे की, जो भी जहाँ पे भी रेलवे, जो भी रेल ट्रैक्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे रेलवे फैला हुआ है, उसकी पूरे इंडिया में लंबाई कितनी है. सो पूरे कितना डिस्टेंस कवर, पूरे कितनी लंबाई कवर करता है, सो वो है हमारा 66,000 किलोमीटर. 66,000 के की जो लंबाई है हमारा जो रेलवेज है वो कवर करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ इंडिया जो है हमारा, इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट. ओके, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया रेलवे नेटवर्क के मामले में जो हमारा इंडिया है. सो इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया. जो हमारा इंडिया में रेलवे का नेटवर्क है वो जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, अगर उनमें उसमें कंपेयर करो तो हम कौन से नंबर पे हैं, हम हैं सेकेंड नंबर पे. ओके, दूसरी सबसे बड़ी जो रेलवे नेटवर्क है वो किसके पास है, वो इंडिया के पास है एशिया में. ना अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, सो द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अब अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे बात करें, एशिया में तो हम सेकेंड नंबर पे हैं, बट अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे बात करें, सो वी आर ऑन फोर्थ रैंक. हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो फोर्थ नंबर पे है. नेक्स्ट थिंग है, अब हम बात करते हैं, सी ये हमने बात की कि
और किस तरीके से नेटवर्क और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए रेलवे हमारी कंट्री में और क्या क्या स्पेशलिटी उसकी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेलवे स्टार्ट कहाँ से हुआ. ओके सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया. ओके जो ब्रिटिश जब ब्रिटिश का हमारे ऊपर अधिकार था ब्रिटिशर्स का सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. उनकी वजह से हमारे कंट्री में जो रेलवे है वो इंट्रोड्यूस हुआ और रेलवे आया रेलवे कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई. सो किसने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश. ओके ब्रिटिशर्स ने जो था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ओके अब ये तो हमने बात की कि ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था लेकिन सबसे पहली रेल सबसे पहली ट्रेन कब चली होगी हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स ने इसको स्टार्ट किया तो. सो जो हमारी पहली रेल थी सो जो फर्स्ट रन था. ओके जो फर्स्ट रन था हमारे यहाँ ट्रेन का वो था कब था वो 1853 1853 में. ओके 1853 में हमारे यहाँ पे पहली बार ट्रेन चली थी. अब उसने कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस तय किया था. सो बिटवीन मुंबई टू ठाणे. ओके कहाँ से कहाँ तक चली थी. सो मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहली बार हमारे यहाँ पे जो ट्रेन सेवा थी वो शुरू हुई थी मुझे रेल की सेवा है वो शुरू हुई थी ट्रेन चली थी. और कौन से सन में. सो वो ईयर था हमारा 1853 1853 में हमारे यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन चली. एंड किसने स्टार्ट किया किसने हमारी कंट्री में इसे स्टार्ट किया तो वो थे ब्रिटिश. ओके उन्होंने इसे स्टार्ट किया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैंने कल आपको एक पॉइंट एक क्वेश्चन करके एक पॉइंट आपको बताया था स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था. सो फॉर दिस वीडियो इट इज़ गोइंग टू बी योर क्वेश्चन कि स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन है वो किसके द्वारा किया गया था. ओके दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. द स्टीम इंजन वो अब जब हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम रेल ट्रेन चली थी तो ऑब्वियसली उस टाइम हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. हमारी कंट्री की कंडीशन बहुत ही ठीक नहीं थी उस टाइम पे. सो क्या हुआ था पहले के टाइम पे इतने इन्वेंशंस भी नहीं हुए थे तो उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे ट्रेन चली थी 1853 में तो उस टाइम कौन से इंजन का यूज़ किया गया था. सो उस टाइम हमारे यहाँ पे यूज़ किया गया था स्टीम इंजन का. इसलिए मैंने आपको बोला कि कल मैंने स्टीम इंजन को लेकर आपको एक पॉइंट बताया था वो आपको क्लियर करना है. नाउ स्टीम इंजन का यूज तो वहाँ पे हो गया था और अभी क्या होता है व्हाट वी यूज राइट नाउ. सो नाउडेज वी यूज नाउ सी दिस नाउडेज दे हैव डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन. सो क्या है नाउडेज वी हैव व्हाट डू वी यूज डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी राइट और इलेक्ट्रिक इंजन. अब हम क्या यूज करते हैं डीजल को और इलेक्ट्रिक इंजन को यूज करते हैं किसके लिए और ट्रेन को चलाने के लिए. और पहले के टाइम पे हम क्या यूज करते थे पहले के टाइम पे हम स्टीम इंजन का यूज किया करते थे. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. दिस इज अब नाउ देखिए अब हमने क्या किया हमने डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना शुरू किया ट्रेन के इंजन को मूव कराने के लिए ट्रेन को मूव कराने के लिए. सो क्या हुआ दिस हैज़ इंक्रीज्ड देयर स्पीड. इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और स्पीड का मतलब होता है कि आपकी चाल क्या है किस स्पीड में आप चल रहे होता है ना कि किस स्पीड में तुम घर आते हो लाइक एक घंटे में तुम कितना चल रहे हो कितना दूरी तय कर ले रहे हो. सो जब हम जो हमारा जो डिस्टेंस है उसको और जो टाइम को है उसको कंबाइन करके देखते हैं. सो बेसिकली जब हम उन दोनों को देखकर चलते हैं तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं. सो हम उसने क्या किया कि जब हमारे यहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन यूज होने लगे सो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास स्पीड हमारी जो है वो ट्रेन की वो इंक्रीज हो गई बढ़ गई जिससे कि हम लंबी दूरी कैसे तय करेंगे कम टाइम में तय कर लेंगे. अब हमें अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का दूरी की दूरी तय करनी है ट्रेन से सो जहाँ हमें 12-14 घंटे लगते होंगे वहाँ पे हमें 8 से 7 घंटे लगेंगे या जितना भी उस इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी उस ट्रेन की पावर है इंजन की पावर है उसके अकॉर्डिंग दूरी जो है वो कम हो जाएगी. ओके सो नाउ द नेक्स्ट थिंग ट्रेन जर्नीज हैव बिकम मोर कंफर्टेबल. अब
स्टीम इंजन नहीं है, ट्रेन एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है. सो उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो टाइम है वो कम लग रहा है, और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ होने से हमारी जो कंफर्ट लेवल है हमारे ट्रैवल का वो भी बढ़ गया है. अभी क्या है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर दिए गए हैं रेलवेज़ में, जिससे कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो भी पैसेंजर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड किया जा सके. अब कंफर्ट की बात करें और फास्ट जो ट्रेन फास्ट होते हैं उनकी बात करें, सो बहुत सारे ट्रेन्स हैं, लाइक राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये सब जो ट्रेन्स हैं ये काउंट होते हैं हमारे सबसे फास्ट ट्रेन्स में, कि जो बहुत ही ज़्यादा दूरी बहुत कम टाइम में तय कर लेते हैं, और ये हमारे फास्टेस्ट ट्रेन्स में गिने जाते हैं. सो कल हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे रेलवेज़ के बारे में और, एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो फॉर नाउ वी आर डन, यू हैव टू फाइंड आउट कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया था. सो फॉर नाउ वी आर डन, थैंक यू.